40 के 40 सीट जो बोलते हैं, पिछले बार बिहार की जनता 39 सीट देने का काम किया, एक भी पलायन रोकने का काम नहीं किया, एक भी फैक्ट्री नहीं लाई, एक भी यूनिवर्सिटी नहीं दी है, और फिर से दावा कर रहे 40 इस बार जनता, बिहार की जनता दिखाएगी इस बार की कितना सीट आने जा रहा है। तो एजुकेशन ही होना चाहिए और उसके बाद उन्हें प्रॉपर जॉब मिलना चाहिए, प्रॉपर जॉब जी, और महिलाएं जितनी ज़्यादा शिक्षित होंगी और उससे ज़्यादा वो अपने सेल्फ इंडिपेंडेंस। इस बार भारत बदलाव की ओर है, जिस तरीके से सब लोग हम लोग जान रहे हैं कि अभी हमारा भारत का क्या स्थिति है, चाहे वो नौजवान हो, छात्र हो, किसान हो, कोई किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, सिर्फ राम मंदिर बनाने से और लाने से हमारा वो घर द्वार नहीं चलना है। किस मुद्दे पे वोट दी इस बार, मुद्दा क्या रहा वोट देने का? इस बार मुद्दा रहा रोजगार, विकास, हम लोग चाहते इस बार बदलाव हो। रविशंकर प्रसाद 5 साल में पूरे क्षेत्र में एक जगह भी दिखाई दे दिए, वो तो बता दें हमको किस क्षेत्र का हमने दौरा किया। इस बार जो है पटना साहिब का मुख्य मुद्दा क्या रहेगा आपके हिसाब से, अब युवा है? पटना साहिब मुख्य मुद्दा यही रहेगा कि युवा को रोजगार मिले, पूरा आगे बढ़ाए उसको, बस यही है। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है और अभी हम मौजूद हैं पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में, और ये जो है पटना का कॉलेज ऑफ कॉमर्स है और यहाँ पे जो है जनता है जो वोट दे करके आ चुकी है, तो उनसे पूछेंगे कि इस बार किस मुद्दे पे वोट दी, इस बार मुद्दा क्या रहा वोट देने का? इस बार मुद्दा रहा रोजगार, विकास, हम लोग चाहते इस बार बदलाव हो। अच्छा, बदलाव चाह रहे हैं? बदलाव चाह रहे हैं, बदलाव चाह रहे हैं, तो मैं इशारा समझ लूँ कि बदलाव की ओर, यानी कि पूरे भारत में बदलाव दिख रहा है, पूरे भारत में बदलाव, पूरे भारत इस बार चाह रहा है बदलाव, वोट याद ही रहे आपको, पूरे भारत में भी लग रहा है, यहाँ से वोट जाएगा तब ना हम लोग दिल्ली में जाके बैठेंगे। अच्छा, लगता है इतना सारा? लगता नहीं है, क्लियर है इस बार। अच्छा, क्लियर है इस बार। आप बदलाव चाह रहे हैं? हम चाह रहे बदलाव, और इस बार देख रहे हैं कि जो सेना के जो लाए अग्निवीर, बहुत गंदा नीति लाए हैं, वो मरेंगे तो ना उनको मिलेगा शहीद का दर्जा, ना कैंटीन का दर्जा, ना उनका परिवार का कोई सहयोग मिलेगा। हम चाहते कि परमानेंट नौकरी चाहिए, तो हम लोग चाह रहे बदलाव, बस। अच्छा, समझ जाइए, युवा है जो जो कह रहे हैं कि हमारे एक वोट से क्या हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, तो उनके लिए क्या कहिएगा? एक वोट बहुत मायने रखता है, यदि एक वोट हम यदि नहीं दें तो एक वोट से आदमी का कुर्सी चला जाता है। हम वोट, मेरा वोट मेरा अधिकार, मेरा वोट मेरा अधिकार, हिम्मत, अब समझ सकते हैं, अब समझ सकते हैं सिंबल। और भी लोग हैं, मतदान कर दिए, वोट दे दिए? हाँ, वोट दे दिए। अच्छा, जब बिल्कुल अधिकार, हाँ। क्या लगता है इस बार भारत बदलाव की ओर है, जिस तरीके से सब लोग हम लोग जान रहे हैं कि अभी हमारा भारत का क्या स्थिति है, चाहे वो नौजवान हो, छात्र हो, किसान हो, कोई किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, सिर्फ राम मंदिर बनाने से और लाने से हमारा वो घर द्वार नहीं चलना है, और 5 किलो अनाज कोई हम भिखमंगा नहीं है कि 5 किलो अनाज से हमारा पूरा परिवार चलेगा। तो क्या लगता है पटना साहिब के लोग इस बार किस मुद्दे को मुख्य बना करके वोट दिए होंगे? पटना साहिब के साथ साथ पूरे भारत के जितने भी वोटर हैं, जहाँ तक मैंने देखा और सोचा, इस बार बदलाव के मूड में है, क्योंकि ये सरकार जो है कुछ किया नहीं, ना नौजवान के लिए किया, ना छात्र के लिए ना किया, ना किसान के लिए किया, जहाँ की गैस सिलेंडर से लेके देख लीजिए, ना सरकारी वैकेंसी आती है, ना कुछ आती है, इसलिए हम लोग बदलाव की ओर, परिवर्तन तय है। पहले मैडम तो एक बात बता देता हूँ, जो 40 के 40 सीट जो बोलते हैं, पिछले बार बिहार की जनता 39 सीट देने का काम किया, एक भी पलायन रोकने का काम नहीं किया, एक भी फैक्ट्री नहीं लाई, एक भी यूनिवर्सिटी नहीं दी है, और फिर से दावा कर रहे 40 इस बार जनता, बिहार की जनता दिखाएगी इस बार की कितना सीट आने जा रहा है, बदलाव दम दिखाएगी, दम पूरा परिवर्तन, सब सपा चाट। जैसा कि आप इनसे पूछे कि एक वोट देने से क्या होगा, बूंद बूंद से तालाब भरता है, और हर बूंद का ही उतना कीमत है जितना पूरा बूंद बन के एक पूरा तालाब या पूरा समुद्र बनता है, उसी तरह से हर एक वोट का कीमत है, इसीलिए सबसे आग्रह है कि सब अपने घर से निकलिए और अपना मत का प्रयोग कीजिए। एक वोट से राम विलास पासवान सरकार गिरा देते वाजपेयी जी के, ठीक है, याद रखिए एक वोट का महत्व, लोकतंत्र का महत्व, हाँ, भारत का सरकार गिर चुकी है एक वोट के कारण। नहीं, बिहार के जो युवा है, या जो कह सकते हैं कि देश के युवा है, पॉलिटिक्स को लेकर बड़े उदासीन है, तो कहते हैं हमारे वोट से क्या फर्क पड़ता है, नहीं देने जाएंगे, जो दे रहे हैं तो उसको लेकर। उदाहरण तो हम यही दिए कि एक वोट से वाजपेयी जी का सरकार गिर चुकी है, ठीक है, सबसे बड़ी महत्व उस वोट का, हाँ। और दूसरा महत्व भी है कि युवा के बात करते, युवा के पास रोजगार नहीं है, युवा बेरोजगार है, ठीक है, और रोजगार का मुद्दा इस बार जो है बड़ा मजबूत रहेगा।
हाँ भरपूर रहेगा। और रविशंकर प्रसाद 5 साल में पूरे क्षेत्र में एक जगह भी दिखाई दे दिए, वो तो बता दें हमको किस क्षेत्र का हमने दौरा किया। रविशंकर प्रसाद से खफा है, हाँ। क्या कहिएगा, वोट दे दिए? हाँ, वोट दे दिए हैं, लेकिन वोट दे दिए हैं तो बिल्कुल वोट का अपने मत का अधिकार करते उपयोग करते हुए क्या कहिएगा? कहेंगे कि मतदान केंद्र में कोई व्यवस्था नहीं है, ना घर में पर्ची पहुँचा, यहाँ पे आ रहा है वोटर है, अपना खोज रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है। कांग्रेस ने बीजेपी से कोई व्यवस्था नहीं है, सब पैसा लेके खा के बैठ गया है, हाँ। पोलिंग एजेंट के नाम पर, हाँ। लेकिन कोई व्यवस्था नहीं दिया है, मतलब व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं, कुछ नहीं, घर घर पर्ची भी नहीं पहुंचा, पर बड़ी दिक्कत हुई, बहुत दिक्कत हो रहा है। फिर भी वोट करने आए हैं, चलिए वोट करने आ रहा है, हाँ, फिर भी लोग बिना किसी व्यवस्था के फिर भी लोग वोट करने आ रहे हैं, तो ये बहुत ही सुखद तस्वीर है। सुखद तस्वीर है, वोट हो चुका है, 50% वोट हो चुका है, 50% हाँ हो चुका है। अच्छा, इस बार जो है पटना साहिब का मुख्य मुद्दा क्या रहेगा आपके हिसाब से? युवा है पटना साहिब, मुख्य मुद्दा यही रहेगा कि युवा को रोजगार मिले, पूरा आगे बढ़ाए उसको, बस यही है। वो सांसद हैं, लगता है कि वो सांसद फिर से आएंगे या फिर परिवर्तन होगा? परिवर्तन इस बार होना चाहिए। रविशंकर प्रसाद तक भ्रमण नहीं किए हैं, हाँ। नहीं रोड शो कभी नहीं किए हैं कि क्या क्या जनता का प्रॉब्लम है, आज तक देखे नहीं है। परिवर्तन होना चाहिए, वोट दे चुके हैं, चलिए और भी कुछ लोग हैं उनसे पूछेंगे, वोट दे चुके हैं। जी जी, वोट में दे। क्या रहा इस बार मुख्य मुद्दा? बेरोजगारी, हम युवा हैं, स्टूडेंट हैं, मेरा तो यही है कि मुद्दा है कि बेरोजगारी दूर हो, बस। हाँ, कह रहे थे कि पर्ची नहीं मिला, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर, तब भी देंगे, परिवर्तन चाहते हैं, तब भी देंगे, भले कितना कष्ट हो लेकिन फिर भी देंगे। हाँ, 5 साल झेल लिए, अब नहीं झेलना चाहते हैं, 5 साल झेल लिए, अब नहीं झेलना चाहते हैं, विकास की राह पे जाएंगे। आई हुई है, इस बार का मुख्य मुद्दा क्या रहेगा? मोदी, हाँ, ये मुद्दा कहाँ है? मुद्दा होना चाहिए विकास का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, उस मुद्दे के बारे में। शिक्षा में आपको लगता है कि यहाँ पे काम नहीं हुआ है? नहीं नहीं, तो होगा नहीं, हम लोग का, हाँ, हम लोग का यही है, अथी यही है, आप चाहते हैं? हाँ, हम यही चाहते हैं, हम लोग इनका मुद्दा जो है। और भी लोग हैं, वोट देने आए हुए हैं? नहीं नहीं, वोट देने नहीं आए हैं, हम अपने मीडिया से, हिंदुस्तान अखबार से। अच्छा अच्छा, तो क्या वोट नहीं दीजिएगा? मीडिया से वोट यहाँ सभी दे रहे हैं, मंत्री नेताजी दे रहे हैं जो खड़े हुए हैं, तो आप नहीं? हमारा यहाँ का है ही नहीं, तो जरूर आप यहाँ के नहीं है, भागलपुर। आप भी देने के लिए आए हुए हैं? जी, फर्स्ट टाइम वोटर है या दे चुकी है? नहीं, मैं दे चुकी हूँ पहले। अच्छा, इस बार का क्या मुद्दा रहेगा लड़कियों का? लड़कियों का सेफ्टी को लेकर के है, हाँ, या पढ़ाई को लेकर? जी, मैक्सिमम तो एजुकेशन ही होना चाहिए, और उसके बाद उन्हें प्रॉपर जॉब मिलना चाहिए, प्रॉपर जॉब। जी, और महिलाएं जितनी ज़्यादा शिक्षित होंगी और उससे ज़्यादा वो अपने सेल्फ इंडिपेंडेंस। जी, सेफ्टी का भी एक मुद्दा रहता है, हाँ जी, सेफ्टी भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या कहिएगा, लगता है कि सरकार जो है वो लड़कियों की बात सुनेगी, या जो अगर फर्स्ट टाइम वोटर है तो उसको लेके क्या कहिए कि बहुत सारी लड़कियां कह रही थी कि हमारे वोट देने या ना देने से क्या फर्क पड़ता है? नहीं नहीं, वोट तो डालना चाहिए, क्योंकि हम उसी के अकॉर्डिंग अपने प्रतिनिधि को चुन सकते हैं, और हम अपनी मांगों को उनके सामने रख सकते हैं, और जो सरकार उनके अगेंस्ट हमारा कुछ भलाई सोचेंगी। जी, एक लगता है ना कि अगर आपने वोट दिया है तो कहीं ना कहीं आपको शिकायत करने का भी हक है। जी, अगर आप वोट नहीं दिए तो आप शिकायत नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल जी, हम अगर वोट देंगे तभी हम अपने पहले अपने तो अधिकार को जानेंगे, और उसके बाद ही कुछ भी अगर समस्याएं हैं तो वो हम सरकार के सामने रख सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, अलका कुमारी। यहाँ किस क्षेत्र से हैं आप? मैं यहीं पास से हूं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ जो है पटना साहिब के लोग थे, आपने इनको सुना, बाकी सबका मुद्दा एक ही है, विकास, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा। किन्हीं का कहना है कि परिवर्तन बहुत ज़रूरी है, किन्हीं का कहना है कि नहीं, रविशंकर प्रसाद हैं, काम कर रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है पटना साहिब से 4 तक, आप भी हमें जरूर बता दीजिए कि आपका क्या सोचना है।